हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारी चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा वो है आपका लेबर लॉज, लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल लॉज। एग्जाम जिसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ईपीएफओ यूपीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठेका श्रम विनियमन उत्साधन अधिनियम, जिसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी कहा जाता है। ठेका कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी कहा जाता है। और पहला सवाल तो यही बनेगा कब आया, तो 1970 आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और उसके अलावा इसमें क्या फीचर्स हैं और क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। देखो, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, क्योंकि जिससे सवाल बनाने आ गए उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। चलिए, तो क्या कहता है ये कानून, इसकी बात कर लेते हैं। यदि मालिक ठेकेदार के जरिए मजदूरों को काम पर रखता है तो मालिक को पंजीकृत होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। ये वो शर्तें हैं जो जरूरी हैं। यदि कोई ठेकेदार 20 या उससे अधिक मजदूर किसी मालिक को देता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, 20 मजदूरों का जो है ये फिगर याद रखिएगा, 20 चार ऑप्शन में आ सकते हैं। सुविधाएं जो ठेकेदार द्वारा दी जानी चाहिए, काम करने वाले मजदूर 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ठेकेदार को कम से कम 2 कमरे अवश्य देने चाहिए, एक कमरा खेलने के लिए, दूसरा सोने के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा मजदूरों के लिए पीने का पानी होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय, धोने के लिए सुविधाएं और प्राथमिक सुविधाएं होनी चाहिए, 3 माह तक चलने वाले काम में आराम की सुविधाएं होनी चाहिए, स्त्रियों के लिए अलग कमरे का प्रबंध होना चाहिए, ऐसा काम जो 6 माह तक चल सकता है। तो ये सब क्लोज आपके एग्जाम में लिखी हुई आएंगी। तो 100 से ज्यादा मजदूर काम करते हो, भोजनालय का प्रबंध होगा। मजदूरी देने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की है, तो ठेकेदार देगा आपको मजदूरी, महीने में कम से कम एक बार मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूरी नगद बिना कटौती के मिलनी चाहिए। बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1970 की। और दूसरे जो उसके की पॉइंट्स हैं, मजदूरी मालिक के प्रतिनिधि के सामने दी जानी चाहिए जिसका वो ठेकेदार काम कर रहा है। मजदूरी की दर न्यूनतम दर से कम नहीं होगी। ठेकेदार को कमीशन देना मालिक की जिम्मेदारी है, उसे मजदूरी से वसूला नहीं जा सकता। जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको 3-4 बार जरूर रीड करना, इसी में से सवाल बनेंगे, स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। मालिक ठेकेदार ठेके के मजदूरों से केवल उतने घंटे काम करा सकता है जितने घंटे कर्मचारी उसी तरह का काम करते हैं। शिकायत होने पर लेबर ऑफिसर श्रम अधिकारी को शिकायत दर्ज करने पर 6 माह से 1 साल की सजा और 5,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो कई बार एग्जाम में सवाल आता है कितना जुर्माना हो सकता है, कितने सजा हो सकती है, कितने वर्षों की, तो एक सवाल आपका यहाँ से आएगा। चलिए एक और देखते हैं, दूसरा एक्ट आपका लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ से जुड़े हुए हैं सभी। अंतरराज्य इंटर स्टेट प्रवासी श्रमिक नियोजन तथा सेवा परिस्थितियों का विनियमन अधिनियम 1979। पहला सवाल तो यही हो गया कि आया कब था, ठीक है, इंटर स्टेट में, दूसरे इसमें स्टेट्स में जाकर जो लोग काम करते हैं उनके लिए। चलिए, तो इस अधिनियम में कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक, हर व्यक्ति जो ठेकेदार द्वारा भर्ती किया जाता है और किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में कार्य करने के लिए किसी कारखाने में या किसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी जगह में, चाहे नियोजक की जानकारी से हो या बिना जानकारी के, अंतरराज्यिक प्रवासी श्रमिक कहलाएगा, ठीक है। तो इंटर स्टेट जो है, जो माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है, प्रवासी श्रमिक हैं, तो उस पर जो है सवाल बताया गया कि उसको कैसे डिफाइन आप करोगे, ठीक है। तो ठेकेदार द्वारा भर्ती है, एक से दूसरे राज्य में काम करता है, कारखाने में या किसी भी व्यवस्था में, और प्रतिष्ठान का पंजीकरण आवश्यक है। दूसरा, ऐसे प्रतिष्ठान जिन पर अधिनियम लागू होता है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा आपका ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति या लाइसेंस क्या होता है, केवल वह ठेकेदार जिनको लाइसेंस जारी हुआ है प्रवासी श्रमिकों की भर्ती कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति श्रमिकों की भर्ती नहीं कर सकता, ठीक है।
लाइसेंस लेना होता है और वही ठेकेदार जो है उनकी भर्ती करेगा मजदूरों की। अब ठेकेदारों के कर्तव्य देख लेते हैं, ड्यूटीज क्या होती है इनकी। ठेकेदार प्रवासी श्रमिकों के बारे में वह सभी जानकारियां जो निश्चित की गई हो दोनों राज्य की सरकारों को, जिस अर्थात जिस राज्य से वे आए हैं और जिस राज्य में काम कर रहे हैं। मान लो सपोज आप यूपी में हो और हरियाणा में काम करने जाते हो, तो काम पर लगाए जाने के 15 दिनों के अंदर देगा। ठीक है, ठेकेदार सभी प्रवासी श्रमिकों, ये 15 डेज याद रखना, सवाल यहीं से बनेगा। ठेकेदार सभी प्रवासी श्रमिकों को एक पासबुक जारी करेगा जिसमें उस श्रमिक की फोटो लगी होगी तथा हिंदी और अंग्रेजी या भाषा में जो मजदूर जानता हो निम्न सूचना भी दी जाएगी। देख लेते हैं, कार्य का नाम, जगह का नाम जहां काम किया जा रहा है, नियोजन की अवधि कब तक होगा, दी जाने वाली मजदूरी और मजदूरी देने का तरीका, क्या मजदूरी दी जाएगी और उसका तरीका क्या होगा, विस्थापन भत्ता और वापसी का किराया जो मजदूर को दिया जाता है तथा कटौती आदि के बारे में जानकारी, प्रवासी श्रमिकों के अधिकार, वेतन एवं कार्य की शर्तें, प्रवासी श्रमिक की मजदूरी दर, छुट्टियां, काम करने का समय एवं अन्य सेवा शर्तें वहां पर काम करने वाले अन्य मजदूरों के समान होगी। प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में बताई गई मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। ये पॉइंट्स आपने सब देखने हैं, बार बार पोस्ट करके पढ़िएगा और ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे इसी, क्योंकि बाकी सब तो सबको आता है। लेबर लॉज पर जो अच्छा करके आएगा उसका रिजल्ट आएगा। सामान्य तौर पर प्रवासी श्रमिकों को मजदूरी नगद रूप में दी जाएगी। विस्थापन भत्ता, भर्ती के समय ठेकेदार प्रवासी श्रमिकों को विस्थापन भत्ता जो उसके 1 महीने के वेतन का 50% या 75 रुपीज, इनमें से जो भी ज्यादा है देना होगा, और यह भत्ता उसी उसे उसकी मजदूरी के अलावा मिलेगा। ठीक है, और यात्रा भत्ता, ठेकेदार प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य के निवास स्थान से काम करने की जगह तक आने एवं जाने का यात्रा भत्ता भी देगा, यानी कि आने जाने का खर्चा भी ठेकेदार देगा जो मजदूरी के अलावा दिया जाएगा, मजदूरी से अलग होगा। यात्रा के दौरान मजदूर को काम पर समझा जाएगा। ठीक है, यात्रा के दौरान भी मजदूर को काम पर समझाएगा। इसमें यात्रा भत्ते में 4-5 सवाल बन गए। ठीक है, ध्यान से आपने समझना है, 2-3 बार पढ़ना है। अगला आपका सुविधाएं, इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ सुविधाएं ठेकेदार द्वारा मजदूरों को देनी होगी, जैसे मजदूरी का नियमित भुगतान, पुरुषों और महिलाओं का समान वेतन, कार्यस्थल पर अच्छी सुविधाएं, कार्य के दौरान मजदूरों को रहने की व्यवस्था, मुफ्त चिकित्सा की सुविधाएं, सुरक्षात्मक कपड़ों को उपलब्ध कराना, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर सगे संबंधियों एवं दोनों राज्यों से के संबंधित अधिकारियों को सूचना देना। यदि ठेकेदार द्वारा जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती है तो प्रधान नियोजक पूरी व्यवस्था करेगा। वेतन की जिम्मेदारी, ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को नियत समय में वेतन मिले। इसके साथ साथ प्रधान नियोजक भी इसकी देखरेख के लिए किसी व्यक्ति को नामित करेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि मजदूर को जितना वेतन मिलना चाहिए था उतना मिला है या नहीं। ठेकेदार उस नामित व्यक्ति के सामने वेतन बांटेगा। यदि ठेकेदार वेतन नहीं देता तो प्रधान नियोजक उनके वेतन देने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो सुविधाओं के बदले भत्ता देना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निरीक्षक क्या है? सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है जो किसी भी समय किसी भी कार्य स्थान जहां प्रवासी श्रमिक काम करते हो प्रवेश कर सकता है, कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकता है, देख सकता है, किसी भी श्रमिक से पूछताछ कर सकता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें उल्लंघन पर सजा एवं दंड। ठीक है, तो 1970 वाले एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 वर्ष तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना हो सकता है। तो पूछा जा सकता है कितना, कितनी जेल हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 100 रुपये का जुर्माना रोज देना होगा जब तक उल्लंघन करता है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के ऐसे अधिनियमों का उल्लंघन करता है जिसके लिए अधिनियम में कोई दंड या प्रावधान नहीं है, वह अधिकतम 2 साल की जेल या 2,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा, अधिनियम के अंतर्गत शिकायत अपराध घटित होने के दिनों से 3 महीने के अंदर अंदर दर्ज करवा सकता है। तो 3 मंथ का टाइम है, पूछा जाता है, कई बार पेपर में आया भी है। तो जो इसके अलग अलग की पॉइंट्स हैं आपने उन सबको देखना होगा,
अब अगला एक्ट देखते हैं, अगला है आपका प्रसूति सुविधा 1960 मैटरनिटी रिलीफ एक्ट जो है ना, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961। तो पहला सवाल तो यही बन गया कि 1961 का एक्ट था ये, और यह अधिनियम निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, कारखानों, खान जो माइंस होती हैं, फैक्ट्रीज हैं, बागान, सरकारी प्रतिष्ठान, ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां घुड़सवारी, कलाबाजी, करतबों को प्रदर्शन करने के लिए लोगों को काम पर रखा जाता है, कोई दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें कम से कम 10 व्यक्ति काम करते हो, ठीक है, या पिछले 12 महीनों से किसी भी दिन वहां काम करने वालों की संख्या 10 से कम रही हो, ठीक है। तो यहाँ 10 का है, वहां पर 20 का था जो पिछले एक्ट में हमने बात की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की स्वीकृति से 2 महीने की सूचना देने के पश्चात अधिनियम के सभी या कोई उपबंध औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रकार के किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग पर भी लागू कर सकती है। परिभाषा की बात कर लेते हैं, जिसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं कि मालिक से क्या मतलब है, ठीक है। तो मालिक कौन होता है? तो मालिक प्रतिष्ठान जो सरकार के नियंत्रण में है, वहां निरीक्षण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति मालिक कहलाएगा। जहां पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई हो, वह विभाग का प्रधान अधिकारी मालिक माना जाएगा। स्थानीय अथॉरिटी के संबंध में वह व्यक्ति मालिक माना जाएगा जो निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया है। जहां पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति ना की गई हो, जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी मालिक माना जाएगा। किसी अन्य दशा में वह व्यक्ति जिसका प्रतिष्ठान के कार्य पर पूरा नियंत्रण हो, चाहे वह प्रबंधक हो या प्रबंध निदेशक, प्रबंध अभिकर्ता या किसी और नाम से जाना जाता हो, मालिक माना जाएगा। तो ये मालिक की डेफिनेशन है, और हम बात कर रहे हैं प्रसूति अधिनियम 1961 की। मजदूरी से क्या मतलब है? तो किसी महिला को मालिक द्वारा उसके काम के बदले दिया जाने वाला पैसा मजदूरी कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। मजदूरी में क्या क्या आता है? ऐसे भत्ते जिनके अंतर्गत महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता है, जिनकी महिला हकदार है। महंगाई और आवास भत्ते से अर्थ है ऐसे पैसे से जो मालिक द्वारा मजदूरी के अलावा महंगाई एवं मकान के किराए आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। प्रोत्साहन व बोनस, ठीक है, और रियायती दर पर दिए गए खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का धन मूल्य। परंतु मजदूरी में कोई कई चीजें नहीं आती, जैसे कोई भी बोनस, ठीक है। तो मजदूरी में क्या आता है, क्या नहीं आता, एक सवाल बनेगा यहाँ से। क्वेश्चन खुद से फ्रेम करने की आप कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि सवाल किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैं इस पर आपको प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करूंगा। तो कोई भी बोनस सिवाय प्रोत्साहन के, समय से ज्यादा काम करने के लिए दिया जाने वाला पैसा, ओवर टाइम, जुर्माने के लिए की गई कटौती या भुगतान, कोई अंशदान जो मालिक द्वारा पेंशन फंड या भविष्य फंड में जमा किया गया है या किया जाएगा, या महिलाओं के फायदे के लिए किया गया है, कोई उपादान ग्रेच्युटी जो सेवा समाप्ति पर दिया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो ये वो सब चीजें हैं जो आपकी मजदूरी में नहीं आती है। पक्का सवाल बनेगा यहाँ से। इस अधिनियम के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समय में महिलाओं से काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो कौन कौन से समय है इसकी बात कर लेते हैं। कोई भी मालिक किसी महिला को बच्चे के जन्म के समय, गर्भपात होने के 6 सप्ताह तक काम नहीं करा सकता, तथा महिला भी इस दौरान काम नहीं करेगी, ठीक है। बाकी जो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वहां तो 26 वीक्स का टाइम है, ठीक है, लेकिन हम उस एक्ट की बात कर रहे हैं जो उस जमाने में था, तो जो मतलब उस टाइम से चला आ रहा है प्रसूति वाले में। यदि कोई भी गर्भवती महिला मालिक से निवेदन करती है, तो मालिक गर्भवती महिला से ऐसा कोई भी काम नहीं करवा सकता जो कठोर प्रकृति का हो, या जिसमें ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता हो, या जिससे उसकी गर्भावस्था या भरण भूरण के विकास पर बुरा असर पड़ता हो। उसके अलावा प्रसूति प्रसुविधा पाने का अधिकार, इसकी बात भी कर लेते हैं। तो प्रत्येक महिला बच्चों के जन्म के एक दिन पहले से लेकर जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत छुट्टी पर रहती है, प्रसूति पर सुविधा क्या हकदार रहेगी जो उसे मालिक द्वारा दी जाएगी। प्रसूति पर सुविधा उस महिला को पिछले 3 महीनों में मिली मजदूरी के औसत के अनुसार तय की जाएगी। महिला ज्यादा से ज्यादा 12 सप्ताह, जिसमें 6 सप्ताह बच्चे के जन्म के से पहले और उसके लिए प्रसूति का लाभ ले सकती है। कोई भी महिला, देखो हम 1961 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी महिला प्रसूति पर सुविधा की हकदार तभी होगी जब उसने बच्चे के जन्मदिन के पहले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन उसी मालिक के यहाँ काम किया हो, जिससे वह प्रसूति पर सुविधा की मांग कर रही हो,
अगर किसी महिला की मृत्यु बच्चे के जन्म के समय देते समय या उसके तुरंत बाद होती है तो वह उस दिन तक प्रसूति प्रसविदा की हकदार होगी, लेकिन इस दौरान अगर बच्चे की मृत्यु होती है तो बच्चे की मृत्यु के दिन का दिन तक पहली महिला प्रसूति प्रसविदा की हकदार रहेगी। ठीक है, यहाँ भी हकदार रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो प्रसूति प्रसविदा दावे की प्रक्रिया और उसका भुगतान। ठीक है, सब फैक्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे और मैं इस पर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार आप पढ़ लीजिए। प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला लिखित में अपने मालिक से प्रसूति प्रसुविधा की भुगतान की मांग कर सकती है, अथवा अपने दावे में उस व्यक्ति का नाम लिख सकती है जिसे यह भुगतान किया जा सकता है। उसे यह भी लिखित में देना होगा कि उस दौरान वह कहीं और काम नहीं करेगी, और अगर यह दावा गर्भावस्था के दौरान किया जाता है तो उसे अपनी छुट्टी तारीख जो बच्चे के जन्म की संभावित तारीख से 6 सप्ताह के पहले नहीं हो सकता दावे को बताना होगा। आगे देखते हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स और दिए हुए हैं। यदि गर्भवती महिला ऐसी सूचना नहीं दे पाती है तो वह बच्चे जन्म के पश्चात जितनी जल्दी सूचना देगी, अगर कोई ऐसी जानकारी प्रसूति प्रसविदा के अधिकार महिला को नहीं दी गई है तब भी निरीक्षक को भुगतान देने का आदेश दे सकता है। सूचना के मिलने पर मालिक महिला के इस अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेगा। प्रसूति की आधी रकम बच्चे के जन्म के पहले आधी 48 घंटे के अंदर संबंधित कागजात दिखाने पर मालिक द्वारा दी जाएगी। ठीक है, और किसी भी महिला की मृत्यु पर प्रसूति प्रसुविधा भुगतान, तो प्रसूति प्रसुविधा का हकदार महिला की मृत्यु होने पर उसकी भुगतान, ये आप एक बार पढ़ लीजिए। तो चिकित्सा बोनस की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मालिक किसी प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला को उसके बच्चे के जन्म से पहले उसके बाद में मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं नहीं देता तो वह महिला को 250 रुपये देगा गर्भपात आदि के दौरान छुट्टी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो ये एक बार थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ में पढ़िएगा, इसमें हम आगे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और भी मतलब बच्चों को दूध पिलाने की छुट्टी, तो बच्चे के जन्म के बाद ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो महिला को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए काम के दौरान 2 बार का समय मिलेगा। तो ये 2 बार का समय इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जो नियमित आराम के समय के अलावा होगा। यह सुविधा बच्चे के 15 महीने तक मिलेगी। ठीक है, तो उसके अलावा गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति रहती है तो इस दौरान सेवा मुक्ति। ठीक है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है सेवा मुक्त का मतलब यह है कि सेवा मुक्ति 8 दिनों के अंदर संबंधित अधिकारी के पास दावा पेश करने का टाइम है। तो यहाँ टाइम पूछा जाता है कि कितने दिन का टाइम है सेवा मुक्ति से, तो 8 दिन का है। और सामान्य तौर पर गर्भावस्था के दौरान सेवा मुक्त करने पर भी महिला प्रसूति प्रसुविधा और चिकित्सा बोनस पाने का हकदार रहेगी। और इसके अलावा जो है दूसरे फैक्ट्स देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप पोस्ट करके इसमें से पढ़ सकते हो। प्रसूति प्रसुविधा का ना मिलना, यदि कोई महिला प्रसूति प्रसुविधा के अंतर्गत मिलने वाली छुट्टी के समय किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करती है तो उसका प्रसूति प्रसुविधा का दावा समाप्त हो जाएगा। मालिक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर सजा, तो प्रसूति प्रसुविधा ना भुगतान ना किए जाने पर, अथवा किसी महिला को इस दौरान सेवा मुक्त करने पर मालिक को 3 महीने से लेकर 1 साल की सजा हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट हैं आपके कि प्रसुविधा नहीं मिलती है तो क्या होगा, और मालिक अगर नहीं देता है तो क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, इसे आप पढ़ लीजिए। और ये एक लिस्ट दी हुई है, इसमें कर्तव्य दिए हैं निरीक्षकों के कर्तव्य हैं, बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप पोस्ट करके पढ़िए। तो इसमें जो दिया है, कोई व्यक्ति निरीक्षक के आदेश से संतुष्ट नहीं है वह 30 दिन के अंदर नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। तो ये टाइम पीरियड पूछा जाएगा 30 डेज का। देखो तो सवाल कहाँ से उठते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और आप समझने की प्लीज कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक को रजिस्टर अथवा रिकॉर्ड नहीं देता है तो किसी व्यक्ति को निरीक्षक के समक्ष आने से रोकता है, उसे 1 वर्ष तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। तो ये कुछ जो है आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे आपके इस एक्ट को लेकर, जो आपका ये अधिनियम है। और इसके बाद हम दूसरे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और बाकी स्टडी मटेरियल आप मंगाना चाहते हो, टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी डिटेल हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह सब दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह सब दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से डिटेल ले सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।